subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चैनल द स्पीड स्ट्रीम एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग जो है अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए लगातार चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है साइंस पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के, और हाई स्कूल के साइंस में जो है कल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे गोली दर्पण संबंधी परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है आप नियम याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें प्रतिबिंब का बनना हेडिंग डाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि प्रतिबिंब बनने के तीन नियम है। कितने नियम है? तीन नियम है। पहला नियम क्या है, देखिए हम एक दर्पण ले रहे हैं, ये आपका है उत्तल दर्पण, इसका जो ध्रुव है ये P है, और ये आपका वक्रता केंद्र है C है, और ये आपका फोकस है F। याद रखिएगा, जब फोकस बनाइएगा तो दोनों जो यहां से यहां तक की दूरी है इसके मध्य बिंदु में ही फोकस रहेगा, तभी आपका चित्र सही बनेगा, नहीं तो सही नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहली चीज याद रखिएगा प्रतिबिंब के बनने में, कि अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, ठीक, कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए यही वस्तु है, तो कोई भी वस्तु अगर है तो पहला नियम जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो जब यहां से परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात, आप लोग स्केल से करेंगे तो आपकी सीधी लाइन रहेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम आपका यही रहेगा क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम आपका है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम यह है कि कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वह परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। मतलब अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो पुनः जब परावर्तित होगी, भाई यहां पे परावर्तन हुआ उसका, जब यहां टकराई इस दीवार पे तो यहां से फिर वापस लौटेगी। तो यही आपका दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तीन नियम है, दो नियम हमने बता दिया। पहला नियम क्या बताया, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से लौटती है, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसका प्रतिबिंब हमारा यही बनेगा। तो अभी चूंकि हम प्रतिबिंब बनना पढ़ नहीं रहे इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी प्रतिबिंब ये देखिए दोनों रेखा जहां पर काटी है ना यहीं पर मिला देंगे तो यही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ये बनेगा। जब आगे प्रतिबिंब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये नियम अगला था। ठीक,
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, प्रतिबिंब बनने के नियम ये थे। अगर आपको ये तीनों नियम समझ में आ गया होगा तो अब हम जो आगे बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना जानने के लिए हम इसी एक फिगर में सब बता देंगे। एक बिंदु है यही ध्रुव, P है, ये हमारा F है, ये हमारा C, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो देखिए जो प्रतिबिंब हमको पढ़ना है, कौन कौन सा प्रतिबिंब पढ़ना है, जब वस्तु पहला पढ़ना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर स्थित, पहला ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक, मतलब पहले पढ़ना है कि जब वस्तु हमारी यहां पर स्थित है। ठीक, उसके बाद पढ़ना है जब वस्तु यहां पर स्थित रहेगी, फिर पढ़ना है जब वस्तु सी और यफ के बीच में स्थित रहेगी, फिर पढ़ना है जब वस्तु यफ पर रहेगी, फिर पढ़ना है जब वस्तु यफ और पी के बीच में रहेगी। इतना हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है ये, फिर वक्रता केंद्र पर हो, फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र, तो मैं सी लिख दे रहा हूं, सी और यफ के बीच में हो। फिर चौथा पढ़ना है जब वस्तु यफ पर हो। फिर हमको पांचवा पढ़ना है जब वस्तु यफ और पी के बीच में। तो ये पांच स्थिति हमको पढ़नी है, पांच स्थिति हमको पढ़नी है। तो पांच स्थिति पढ़नी है, तो चलिए हम पहली स्थिति देखते हैं क्या, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर होगी तो हमने जो प्रतिबिंब बनने के नियम बताए हैं वही आपको लगाना है। क्या बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, दो चीज करिएगा, एक बार मुख्य अक्ष के समांतर चलिएगा, फिर वक्रता केंद्र से चलिएगा। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, बताइए ये कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, पहला नियम हो गया। फिर देखिए एक चीज और मैंने बताया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वही हमारा प्रतिबिंब होता है। अगर ये हमारा ओ ओ डैश है, ये हमारा आई आई डैश होगा, तो क्या हो जाएगा, अतः आई आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। जो देखिए अब इसका हमको चित्र बनाना नहीं आएगा पेपर में, केवल ये आएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर हो तो उसका प्रतिबिंब मतलब क्या बनता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए ये वस्तु बड़ी है, ये वस्तु छोटी है, इसकी तुलना में छोटी है, तो क्या लिखेंगे, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब छोटा का उल्टा दिख रहा होगा, उल्टा। वा अगर
सीधी पाई जुड़ी हुई खींची गई है तो वो वास्तविक है, पर अगर ऐसे डाट डाट करके खींची जाएगी तो आभासी होगा। वह वास्तविक प्रतिबिंब छोटा उल्टा वह वास्तविक बनेगा। ठीक, कब बनेगा? जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के बाहर। ठीक, फिर देखिए अगला दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इसको आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, बना के लिख लीजिएगा यही, बस और कुछ नहीं करना इसमें। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो चलिए जब वस्तु कहां पर स्थित है? वक्रता केंद्र पर स्थित। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अगर वस्तु मान लीजिए यहां स्थित है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वही चीज मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला तो हो गया। दूसरा नियम इसमें रहेगा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां काटे हैं ना, जब आप पटरी से खींचेंगे तो ये एकदम सीधे में कटेगा, याद रखिएगा। तो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां काटे हैं वही हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, वही हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर ये ओ ओ डैश है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आई आई डैश क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब कैसे बन रहा है भाई? ये भी उतना बड़ा है, ये भी उतना बड़ा है, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कमा उल्टा कमा वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब का नियम समझ में आ गया होगा तो ये बनाने में कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। ठीक, तो ये चीज है। आगे चलिए देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र और यफ के बीच स्थित हो, तो अगर वक्रता केंद्र और यफ के बीच में स्थित है तो ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा यफ हो गया, वस्तु हमारी यही पर स्थित। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पहला नियम। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देख कहां रहे हैं? दोनों वस्तु एक दूसरे को जहां काटे हैं वही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बना? देखिए, प्रतिबिंब अब ये वस्तु इतनी छोटी है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब बड़ा कमा उल्टा कमा तथा वास्तविक बनेगा, और कहां बनेगा? और वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। ठीक, ये चीज है। ये प्रतिबिंब कब था? जब वस्तु हमारी सी और एफ के बीच में स्थित हो। इसमें कुछ है नहीं समझाने का, इसलिए समझाने के नहीं, इसको केवल आप लिख लीजिए बस। अगला जो है, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? जब वस्तु एफ पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो? एफ पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, जब वस्तु यफ पर स्थित हो,
तो ये हमारा है सी, ये हमारा है यफ। ठीक, अगर वस्तु यफ पर स्थित है तो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक, पहला नियम तो आपका ये कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, चूंकि देखिए अब अगर यहां है तो फोकस से तो होकर जाएगी नहीं, दूसरी रेखा कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट आएगी। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये दोनों रेखाएं कहीं जाकर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो अतः प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, और किस प्रकार बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, और वस्तु से बड़ा बनेगा, भाई अनंत पे बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है। ठीक, तो ये चीज है कि वस्तु से बड़ा, उल्टा और कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये चीज था जब वस्तु कहां पर स्थित हो, यह पर स्थित हो। तो इतनी चीजें हमने बताई, एक लास्ट बचा है कि जब वस्तु यफ और पी के बीच में स्थित हो, इसको हम कल बताएंगे, उसके बाद प्रतिबिंब का बनना खत्म हो जाएगा, फिर हम जो हमारा सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u उस पर चर्चा करेंगे और रेखीय आवर्धन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइट भी चली गई, हाँ, तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।